इन दिनों ज्यादा बारिश से जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं धूप नहीं मिलने से मनुष्यों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं वायरल इन्फेक्शन के कारण अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। खान पान में थोड़ी भी लापरवाही बरतने से मौसमी बीमारियों के साथ डायरिया जैसे समस्या पैदा हो रहे हैं। वहीं लोरमी क्षेत्र के ग्राम इंदलपुर के रहने वाले एक ही परिवार से बच्चे सहित 5 लोगों को डायरिया से पीड़ित है। उनको इलाज के लिए लोरमी के 50 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी मरीजों को विगत 2 दिन से अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन आज तक उन लोगों की तबीयत में सुधार नहीं आया है। वही डायरिया पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा डॉक्टर पर सही इलाज नहीं कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि 3 दिन से यहां अपने 5 पीड़ित परिवारों के साथ भर्ती है, पर जरा भी इलाज में भी सुधार नहीं होने की बात कही। वहीं ड्यूटी पर एक भी जिम्मेदार डॉक्टर यहां मरीजों को समय में देखने नहीं आने की बात कही। हम अपने परिवार के 5 नाती है, कोई देख रेख नहीं। कब से आया हो, अभी का स्थिति है? अभी वो इसलिए मोटा मार भी नहीं कर, निकमन के टास्ता नहीं मारा। कब का है? आज तीसरा रोज हो। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर लोग आते हैं इलाज कराते हैं, आते कहीं देख लेते हैं और के चल देते हैं, कुछ स्टार बना के बोतल ला चढ़ा देते हैं, चल देते हैं। वहीं इस पूरे मामले में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीएस दाऊ ने सभी मरीजों को फूड पॉइजनिंग होने का समस्या बता रहे हैं और सभी पीड़ितों का इलाज सुचारू रूप से चल रहा है। अभी कंट्रोल तो नहीं हुआ है, पर धीरे धीरे ठीक होने की बात करी। वहीं सभी को खतरे से बाहर होने की बात कह रहे हैं। खाने पीने के दौरान अगर कहीं पर असावधानी रखी है, आपने पुराना खाना खा लिया तो पूरी तरह से भी स्थिति कंट्रोल नहीं हो पाई है, तो अभी एक आध दिन हम रखेंगे, जैसे स्थिति होगा पेशेंट शटल हो जाएगा, उसके बाद उसको डिस्चार्ज करेंगे। बाकी सभी जो है खतरे से बाहर है। फूड पॉइजनिंग का केस है, खाने पीने के दौरान जो है बना होगा खाना, उसमें कहीं पर असावधानी हुई होगी या इन्फेक्शन कहीं से बन गया उसको। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर का रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।